में जो आज काम करने वाले हैं, हम ये चाह रहे हैं कि नए लोगों को चांस मिले, नए लोगों को बढ़ावा मिले। तो हमारा एक प्रयास है कि जो लोग, आपने देखा होगा कई जगह, कई गांव में ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं पर उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उनको एक वे नहीं मालूम है कि हम किस तरह से काम करें, कहाँ जाएं। तो हम अपने प्रोडक्शन के माध्यम से उन लोगों को थोड़ा ट्रेन करके कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म देके और अच्छी प्रतिभाओं को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस फिल्म में जो आपका किरदार है, इस किरदार को निभाने के लिए आपको कई मुश्किलें या फिर कुछ खास तैयारियां करनी पड़ी आपको? हाँ, किसी भी किरदार के अंदर निभाने के लिए हमें पहले उसकी तरह सोचना पड़ता है, उसके अंदर ढलना पड़ता है। तो वो सब तो, और एक प्रोड्यूसर होते हुए मुझे भी मालूम था कि किरदार के साथ साथ मुझे बहुत सी जिम्मेदारियों के साथ चलना है, बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी है। तो दोनों एक अलग पार्ट हो जाता है, प्रोड्यूस करना और एक एक्ट करना। तो उसके लिए मेरे को सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगी खान साहब का, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि मेरे को लगा नहीं कि मैं प्रोड्यूस करूँ, मैं एजेंट। उन्होंने मुझे बोला, मैम आप एक काम करिए, आप एजेंट एक्टर ही करिए, प्रॉपर ध्यान दीजिए, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। और मेरी जो टीम थी तो हर कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़ी रही, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाई। और मैं अपने फैन से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए, क्योंकि हर फ्राइडे फिल्म आती है, तो ये फिल्म में क्या अलग होगा कि दर्शक इसे थिएटर पर जाएंगे देखने? हमारी फिल्म के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि कई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से इंसान गलत कदम उठा लेता है, और हमें हर चीज़ को पहले क्लियर करना चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। तो हम अपनी जो हमारा मूवी में मैसेज है वो यही है कि किसी भी काम को करने से पहले या किसी भी कदम को उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और अगर हम कुछ करने जा रहे हैं तो पहले हम उस चीज़ को क्लियर करते हुए चले। और कहीं अगर बाहर भी जा रहे हैं तो अपनी फैमिली को, जैसे बच्चे लोग बाहर जाते हैं तो अपनी फैमिली को कम से कम मैसेज तो दे के जाएँ। कई बार होता है बच्चे ट्रिप पे निकल गए, घर वालों को पता भी नहीं है, और उनके साथ अगर कोई ट्रेजडी होती है तो किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वही सब हमारी मूवी के माध्यम से हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। वो किस तरह की फिल्म होगी जिसका आप मुहूर्त करने जा रहे हैं, और वो फिल्म को किस, क्या स्टोरी लेकर आप लोगों के बीच कराएंगे? मेरी जो आने वाली फिल्म है उसका टाइटल है प्यार का रिश्कनामा। टाइटल से ही आप लोग समझ गए होंगे कि प्यार में रिस्क तो होता ही है। इसी तरह से हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो कॉमेडी और लव स्टोरी है। हम लोग इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम ये पब्लिक को बताना चाहते हैं कि आप प्यार तो कर लेते हैं लेकिन उसके आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग सोचते भी नहीं हैं। तो आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसी तरह की उसमें एक कॉमिक। तो क्या इस फिल्म में भी योगिता जी अपने प्रोड्यूसर और उसके साथ ही एक्टिंग करती हुई नजर आएंगी? जी कोशिश तो है, क्योंकि प्रोड्यूस तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ में एज एन एक्ट्रेस तो मेरे को एस्टेब्लिश होना है। तो उसके लिए तीन हीरोइन की कहानी है जिसमें से एक मैं भी कहानी। उनके डायरेक्टर कौन है फिल्म के? डायरेक्टर मिस्टर अमन खान हैं, और करमवीर जी सर हैं वो भी हमारे साथ में, चौधरी साहब हमारे इस मूवी में बहुत अच्छा और एक हैवी करेक्टर प्ले कर रहे हैं। अमन जी कितनी खुशी है कि एक फिल्म आपकी रिलीज हो रही है और दूसरी फिल्म की मुहूर्त हो रहा है, तो कितनी खुशी है इस फिल्म की, और इस फिल्म को कब तक फ्लोर पे ले जाने की आपकी तैयारी होगी और इसकी शूटिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी? मैडम सबसे पहले तो मैं योगिता मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को इसमें एक बार फिर चांस मिल रहा है, और प्रयास करूँगा कि अच्छे से अच्छा काम करूँ, और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी हम लोग जो इसको फ्लोर पर लेके जाएँ। और टीम पहले जो हमने हमारे पास में अच्छी जो टीम थी उसी तरीके से इस बार भी हम चाह रहे हैं कि अच्छे से अच्छी टीम ले, अच्छे लोगों को चांस मिले। कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं, न्यू आर्टिस्ट होते हैं, तो हम लोग प्रयास यही करेंगे कि भी कुछ जो पुराने जो आर्टिस्ट उनके साथ में न्यू आर्टिस्ट भी उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, तो प्रयास ये रहेगा। जून या फिर जुलाई में हम लोग, जो जुलाई में हम लोग चाह रहे हैं कि उसको स्टार्ट कर लें, पूरी तैयारी तो वैसी है। आप क्या कहना चाहेंगे आज फिल्म की शुभकामनाएं दी जो फिल्म रिलीज होने जा रही है, बट अगली फिल्म में आपका भी किरदार होगा, आप उस किरदार के लिए कितने तैयार हैं? हम तो एक्टर लोग हैं, और जब डायरेक्टर समझा देता चीज को कि ये ऐसा है, आपका करेक्टर का नेचर ये है, उसके अनुसार कर लेते हैं। लेकिन टाइटल जो है इस नए प्रोजेक्ट का, प्यार का रिश्कनामा, ये बड़ा गजब है। तो जिस हिसाब से टाइटल है उसी हिसाब से शायद मेरा करेक्टर भी होगा,
मजा लेंगे करेक्टर करने में, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। योगिता हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, निश्चित तौर पर कामियों की ऊंचाई पर योगिता का प्रस्थान हुआ है और निश्चित तौर पर मेरे दोस्त खान जी और योगिता जी ने साथ में मिलकर जो फिल्म की लगभग 6-8 महीने शुरुआत की थी खेल खल्लास, उसका आज डेट का डिक्लेरेशन है। 31 मई को ऑल इंडिया वो रिलीज़ करने वाले हैं और आज उनकी और एक फिल्म का यहाँ पर विमोचन होने वाला है और हम सब उनको शुभकामनाएं देने आए हैं। मैं धड़क ऑल फिल्म यूनियन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए लगभग 50,000 से अधिक वर्करों की तरफ से मैं योगिता राठौड़ और खान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमेशा ही हम सब योगिता जी के साथ में हैं और उनकी आगे की जो भी उनका फर्दर करियर है उनके उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिजीत की कुछ फ़ोटो और वीडियो है मीनाक्षी कपूर और मेरे साथ अनीश शर्मा है जो कलर्स के एक्टर हैं। मैं योगिता जी को शुभकामना देने के लिए स्पेशली यहाँ आई हूँ अपनी शूटिंग छोड़ के, तो इनकी मूवी के लिए मैं बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। काफ़ी सुपरहिट हो, काफ़ी दुनिया देखे और साथ में हमारा भी शो आने वाला है तो जल्द आपको ही पता लगेगा कलर्स पर। आप क्या कहना चाहेंगे टीवी शो से अगर हट के देखें फिल्म को देखा जाए तो आजकल कम हो रहे थे और जिस तरह से एक फिल्म रिलीज होने जा रही है तो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑल द एंटायर मेंबर्स ऑफ द टीम कांग्रेचुलेशंस ऑल। जैसे कि फिल्म का नाम ही खेल खलास है, मुझे लगता है ये सारा इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस में खलास करने वाली है सबको मुझे लगता है। और शुभकामनाएं मेरी सबके साथ हैं योगिता जी और सारी टीम के लिए जितने भी सदस्य हैं इस टीम के, तो अच्छा रहे, अच्छा काम रहे, हमारी इंडस्ट्री तरक्की करे, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। आप लोग? मेरा नाम कवीना महर्जन, निकनेम रानी, मिस्टर रानी बोलते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म में किस तरह का आपका किरदार है, जिस तरह से योगिता जी की दूसरी फिल्म का भी आज बोल रहे थे क्या शुभकामनाएं होंगी? एक्चुअली मैं शुभकामना देने के लिए आई हूँ, मैं एजुकेस मेरा मूवी एक रिलीज हो गया है एक्ट्रेस उसने और ये खेल खलास मूवी बहुत अच्छी बनी है। योगिता जी ने बहुत मेहनत की है, एक लेडीज एक लड़की ऊपर इतना मतलब प्रोड्यूसर बन हो गई, एकदम प्रोड्यूसर बनना बहुत टफ बात है, बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। जो डायरेक्टर भी बहुत मेहनत किया है, इसका मैं वो टेलर थोड़ा देखा है, अब लोगों ने देखा है, मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, बहुत सुपर हिट होगा मेरी तरफ से एंड वो सुपर हिट हो जाए मेरा शुभकामना है। गॉड ब्लेस यू आप लोगों को, सब भगवान सब एक साथ मिल के आप लोगों को आशीष मिले। थैंक यू। इमरान है, तो इमरान जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो खेल खलास के लिए किस तरह की फिल्म होगी, आपको क्या लगा, आपने ट्रेलर देखे आपको क्या लगा और दर्शक कितना पसंद करेंगे? ट्रेलर देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अमन जी और योगिता जी को दोनों को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कि बहुत अच्छी फिल्म जाए और ट्रेलर के हिसाब से ये चलेगी फिल्म और नई फिल्म के लिए भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप भी होंगे तो आपके किरदार को लेकर आपको कुछ पता चला किस तरह का किरदार के बारे में, कितनी खुशी आपको जिस फिल्म में आप काम करने वाले उसका? बहुत खुशी है इसके लिए और लेट से भी किरदार के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और जब चलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म खेल खलास रिलीज होने जा रही है, कितनी खुशी है?